रिश्ता लिखेंगे हम नया। जब आप दोनों गोवा में थे तब अर्पिता बाई सा केसर महल आई थी। डंके की चोट पर वो हम सब लोगों को चुनौती दे गई से कि आपका और दाता हुकुम का रिश्ता टिक को नहीं पावेगा, और अगर ऐसा हुआ तो दाता हुकुम को अपना ओहदा छोड़ना होगा, क्योंकि उन्होंने अभय बन्ना को सबके सामने जलील किया था आपसे शादी तोड़ने के लिए। दाता हुकुम की जिस शान और रुतबे को बचाने के लिए आपने अपने 12 साल दे दिए, उसी दाता हुकुम को सबके सामने जलील होता क्या आप देख पाएंगे? उनके इस रुतबे को दूर होते हम तो कौन ही देख पाएंगे? क्या आप देख पाएंगे? और अभय बन्ना दाता हुकुम को उसी तरह थप्पड़ मारेंगे सबके सामने जिस तरह दाता हुकुम ने उन्हें मारा था, आपको दुल्हन बनाकर मंडप में छोड़ देने के लिए। अपने दाता हुकुम की सौगंध से चाहे जो कुछ भी हो जाए आप इस शादी को निभाएंगी। इस रिश्ते से आजाद होना आप दोनों के लिए मुमकिन कौनी से ठकराने सा। हमने आपसे जो कुछ भी कहा वो आप दाता हुकुम को कह को नहीं सकते, लेकिन इस रिश्ते के टूटने की खबर को सबके सामने ऐलान करने से पहले हर हाल में आपको दाता हुकुम को रोकना से, और हाँ आप ना सिर्फ उन्हें रोकेंगे लेकिन इस शादी को अच्छी तरह से निभाकर अर्पिता भाईसा और अभय बन्ना के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारेंगे जो कोई देख को नहीं पावेगा। सबके सामने आपसे शादी करके उन्होंने अपना काम कर दिया से, अब इस शादी को टिकाए रखना आपका काम से टकराने सा। आप इस महल के ठकराने सा से, दाता हुकुम की बींदनी से आप, एक सच्ची राजपूत से आप। क्या ये बदबू वाली चीज? छी, ये हर्बल टी है। आज यश बन्ना की सगाई है ना, तो हमें तो बहुत ही धूम मचानी है। आपको इस चाय की जरूरत पड़ेगी। ये कितना गर्म है, कैसे पीऊंगा मैं इसे? बिल्कुल भी गर्म नहीं है, चुपचाप पी लीजिए। अच्छा ठीक है, पहले आप ट्राई करके दिखाइए मुझे। ट्राई कीजिए। बिल्कुल भी गर्म नहीं है, पीजिए। ये रिश्ता कभी टूटना को नहीं चाहिए ठकराने सा, वरना दाता हुकुम को अपनी पदवी और अपने गौरव से पीछे हटना होगा। एक तरफ काकी मासा की कसम है और दूसरी तरफ रतन की आजादी,
हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दिया, मुझे आपसे कन्फेशन करना है। क्या? दिया, ये ह्यूमन नेचर ना बहुत अजीब होता है, बार बार बदलता रहता है। पहले आपको कोई चीज पसंद नहीं आती और फिर एकदम से वही चीज बहुत पसंद आने लगती है। बस ऐसे ही कुछ कहना था। ऐसा क्या? पर ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब बहुत पसंद है? आप। आप मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई हैं दिया। पर ये सब मतलब चल दिया, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं बस ये देखना चाहता था कि जब मैं ये मजाक करूंगा आपके साथ तो आपके चेहरे पे क्या रिएक्शन आते हैं। टेंशन नॉट दिया, एंड डोंट यू वरी, आपको अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे हस्बैंड के साथ गुजारनी नहीं पड़ेगी। मैं जो इतना अनकेयरिंग हूँ, इतना गैर जिम्मेदार हूँ और आपके साथ कितना झगड़ा भी करता हूँ, आपको मैं खुद से कभी बांध के नहीं रखूंगा और आप आज मुझसे आजाद भी हो जाएंगे। पर रतन, आप बिल्कुल भी अनकेयरिंग नहीं है और ना ही कभी बेवजह हमसे झगड़ा करते हैं, सच्ची। ओह प्लीज दिया, कम से कम आप ये झूठ मुझसे तो मत कहिए। मैं खुद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। दिया, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले मुझे होली खेला बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेकिन कल जब होली खेली तो बहुत मजा आया। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि होली एक सुपर फेस्टिवल है। एंडिया, आप में ना एक अजीब सी पावर है, पता नहीं क्या, लेकिन आप कोई चक्कर चलाती है और मैं अपनी सोच ही बदल देता हूँ। और जैसे आप अपनी बात को मनवाना चाहती हैं, मुझसे वैसे ही मनवा के रहती हैं। पर क्या हम आपको इस रिश्ते को निभाने के लिए मना सकते हैं रतन? आज आपको कहीं हमारी नजर कोने लग जाए। इस पोशाक में आज आप बहुत ही रौबीले लगेंगे। दादी सही कहा भी है, जिनकी वजह से हम मासा को कभी मिस नहीं करते। अपनी मासा का प्यार हमें आपसे मिला है। सच में हम बहुत लकी हैं कि आप हमारी दादी से हैं। हम अभी आते हैं। यश बन्ना। हाँ दिया भाई साहब। अच्छा वो आप आ गई। अच्छा हमारी हेल्प कीजिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा कि सगाई पे हम मोहना को क्या गिफ्ट दें। हम बहुत कंफ्यूज हो गए। यश बन्ना, आप मोहना बाईसा को कुछ ऐसा गिफ्ट दीजिए जिससे उनके चेहरे की हंसी हमेशा बरकरार रहे, उनके चेहरे का गौरव बना रहे। अपना साथ दीजिए उन्हें, एक ऐसा साथ जो बिना किसी शर्तों के हो।
अपना अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट दीजिए, इस रिश्ते को निभाने की ईमानदारी का गिफ्ट दीजिए। किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ ना छोड़ने का वचन का गिफ्ट। मतलब कि वो गिफ्ट जो आपने और काकोसा ने एक दूसरे को दिया है, वैसा ही राइट? आप लोगों ने एग्जांपल तो वैसे ही सेट किया हुआ है, तो हमें बस आपके दिखाए रास्ते पे चलना है, राइट? दादी साहब, अच्छा हम मोहना से मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं कि उन्हें और पापासा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ओके अभी अभी आपने यश बन्ना से जो कुछ भी कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा ही करेंगे ठकराने सा। आपने दाता हुकुम से बात कर ली? अगर अब तक ना की हो तो जल्दी कर लीजिए। आप दोनों में से कोई आकर हमें ये कौन ही बताएगा कि आपकी शादी टूट गई से? दया कर सिखाल का मां। देखा आपने, दिया भाई साहब हमारे रिश्ते के बारे में कितना सोचती हैं। हम आपके लिए कुछ लाएं। अच्छा क्या? दिखाएं। हाँ ये तो बहुत सुंदर है, हमारे खानदानी कंगन। हाथ दीजिए अपना। हम आपसे वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कैसे? बहुत सुंदर। मोहना बेटा, अब पापा, हाँ आप हमें जरा एक बार ठीक से समझा देंगे कि इनमें से कौन सी गिफ्ट्स किसको देनी है? वो सगाई की सारी तैयारियां तो आप ही दोनों ने मिलकर की है ना, इसलिए। हम जानते थे पापा साहब कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। हमने लिस्ट बना दिया, ये रही लिस्ट, इसमें सब कुछ लिखा है। बेटा, सगाई की इस लेन देन को लेकर आप कितना परेशान हो रही हैं, है ना? आज अगर आपकी माँ होती ना तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने के बजाय आप खुद पर ध्यान देती, सोलह सिंगार करती। अगर आप चाहती हैं तो हम आपकी मासा को बुला देते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम आपकी खातिर भुला देने को तैयार हैं। हमारे पापा सा, हमारी माँ सा, दोनों आप ही है हमारे लिए, और आखिर जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज हमारे लिए। हम नहीं चाहेंगे कि आज वो यहाँ पे हो। और वैसे भी आप और यश हमारे साथ है ना, आप दोनों का प्यार ही तो हमारे लिए सब कुछ है। और बाकी की सारी तैयारियां यश देख लेंगे और हम सजने सवरने में लग जाएंगे। आखिर हमारी सगाई है, अरे सजना सवरना तो बनता है पापा साहब। ठकराने सा, आपको अपनी शादी हर हाल में निभानी होगी। शादी कोई गुड्डों गुड्डियों का खेल कौन से? दिया, बस कुछ ही देर है, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे।
रेड रेड नोज वाली ठकरानी सा को देख के सब हंसेंगे। हमारे अलग होने का वक्त आ गया दिया, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। ये आपके लिए आपका बाय बाय गिफ्ट। I'm really sorry दिया, दिल से। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, कभी मेरी पहरेदार बनके, कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड बनके, तो कभी मेरी वाइफ बनके। एक मैं ही हूँ जो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं एक अच्छा दाता हुकुम बन पाया, मैं अपनी दोस्ती अच्छे से निभा पाया, और पति के नाम पे तो मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, एक जीरो। इस जिंदगी में अगर मैं आपके लिए कुछ भी कर पाया दिया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो आप बेझिझक मुझसे मांग लीजिएगा, क्योंकि आपकी खुशी के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। क्या सच में हम आपसे जो भी मांगे आप हमें दे देंगे? आसमां के देख लीजिए दिया। रतन, क्या हम अपने रिश्ते को कामयाब बना सकते हैं? घर वालों को कुछ ना बताकर क्या हम एक पति पत्नी बने रह सकते हैं? एक और कोशिश कर सकते हैं अपनी शादी के लिए? क्या ये क्या कह रही हैं आप? क्या चार दिन के इस नाटक को सच्चाई में बदल सकते हैं? दिया, वो एक्चुअली आप जो कह रही हैं वो इस वक्त बस क्या लगता है, मजाक करने का अधिकार सिर्फ आप ही का है क्या? Oh God. दिया, आपने मुझे सच में डरा दिया था। दिया, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, वो बस आंख में काजल चला गया था। छोटे बड़े सात फेरों में बंधे, वक्त ने रिश्ता पिरोया है, जग ने रिश्ता दिया ये नया, ये रिश्ता
ये कार का भाव हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। हम रतन को कहकर भी अपने मन की बात नहीं कह सके, उन्हें हमारी शादी से घुटन होती है, हमारे रिश्ते से शर्मिंदगी महसूस करते हैं वो। अब आप ही बताएं कि हम करें तो क्या करें। एक तरफ उनका मान सम्मान है तो दूसरी तरफ उनकी खुशी है। किसी एक को चुनते हैं तो दूसरे की कुर्बानी देनी पड़ती है। कोई रास्ता दिखाइए कि उनकी खुशी पर कोई आंच ना आए और उनका मान सम्मान और गौरव सुरक्षित रहे। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मां। वक्त आ गया बदला लेने का। तैयार रहिए दिया भाई सा, आई मीन दिया ठकरानी सा। केसर महल चलो। आप रामजी कुछ लाइए जल्दी। आइए बैठो। अरे पानी लाइए रामजी, पानी लाइए। पापा साहब काकू से लीजिए। पापा साहब आप ठीक तो है ना? बेटा बुखार के बाद की कमजोरी है और कुछ नहीं। काकू साहब अगर आपकी खांसी या वीकनेस और बढ़ जाए तो आप अंदर रूम में आराम से रेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं यही रहूंगा। दिया यशपन्ना की सगाई खत्म होते मैं हमारे रिश्ते की सच्चाई सबको बता दूंगा। चंद तो ये बहुत मुश्किल होगा लेकिन मैं कर लूंगा। और आप फिक्र मत कीजिए दिया, इस रिश्ते की टूटने की सारी जिम्मेदारी मैं खुद ले लूंगा और सारा इल्जाम भी मैं खुद पर ही ले लूंगा। अगर मैं काकी मासा को अच्छे से समझाऊंगा तो आई एम श्योर वो मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगी। छोटी ठकरानी सा, आप तो बहुत ही भाग्यशाली से, आप तो दाता हुकुम और आपके पोते दोनों का घर बस गया है। सच कह रहे से आप ठकरानी सा। हम सच में बहुत ही भाग्यशाली से है ना ठकरानी सा। छोटी ठकरानी सा, साक्षी भाई सा और ईशा कोहरानी सा के बच्चे कैसे हैं? वो यहाँ नहीं आए अपने भाई साहब की सगाई पर। जी वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते से परीक्षा का वक्त से ना इसलिए आ को नहीं पाए। चलिए सगाई की रस्म शुरू करते से। यशपन्ना
अंगूठी की तरह पहनाई है, हक्काली की तरह कोनी। वादा करते हैं आपसे, अच्छे दिन में, बुरे दिन में, गम में, सुख में, हम आपका ये हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सबको घनी घनी बधाइयां। सारे बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। सब पाउट कीजिएगा, पाउट करने से फेस पतला लगता है। चलिए साक्षी भाईसा। हाँ मासा। आप मोहना भाईसा और उनके पापा सा को घर के मंदिर ले जाइए माथा टेकने के लिए। जी आई। जय जय आशीर्वाद ले लीजिए मेरी माँ का। जय यहाँ। I think काकी मासा को सब कुछ सच बताने का वक्त आ गया है। अब ठीक से है? तबीयत कैसी लग रही है? मैं बता क्या था? ये रिश्ता कभी टूटना को नहीं चाहिए ठकराने सा। काकी मासा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी दादा हुकुम। मैं अपने और वाह, यहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। ये यहाँ क्या कर रही है? मान गए दिया ठकरानी सा, आप यहाँ सबके साथ मिलकर जश्न मना रही है, लेकिन हम आपको जश्न मनाने नहीं देंगे। गोवा में आपने जो किया उसका खुलासा सबके सामने करके रहेंगे। जो कारण सोच रहे थे वो ना हो बस। आपकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रही हैं आप यहां पे? ये बात आपको अपनी पत्नी दिया ठकरानी सा से पूछनी चाहिए। गोवा में उन्होंने हमारे भाई सा अभय बन्ना को जान से मारने की कोशिश की है। क्या? उसी की सजा दिलवाने आए हैं हम यहां।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.